सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़रते हैं आज के अहम खबर पर। तीन खबर एक साथ जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर हम आपको बताते हैं उस्मानिया हॉस्पिटल से। उस्मानिया हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को अपनी अपनी जान की पड़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है पुरानी इमारत है, बारिश बड़ी तेज हो रही है हैदराबाद में। अगर ज्यादा बारिश हो तो शायद ये इमारत गिर भी सकती है, इस तरह का डर और खौफ बैठ चुका है उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स में। तो डॉक्टर्स ने वहीं पर डिमांड की कि उस्मानिया हॉस्पिटल का रिकंस्ट्रक्शन करें और नई बिल्डिंग बनाए, इस तरह की डिमांड वहां के डॉक्टर्स ने की। वहीं पर आइए दूसरी जानी और खबर हम आपको दिखाते हैं जो कि फलकनुमा से है। फलकनुमा में एक जिम है जिसका नाम है ग्लैडिएटर जिम। उस जिम में अचानक आग लग गई। जानी नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद माली नुकसान बहुत कुछ हुआ है, ये भी खबर हम आपको दिखाते हैं। और वहीं पर तीसरी जानी हम आपको ले चलते हैं जलपल्ली। जलपल्ली में एक ऑप्शन मेंबर्स का आखिरी दिन था, वहीं पर कई लोगों ने अपना अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। इसी के ताल्लुक से जलपल्ली म्युनिसिपल चेयरमैन अहमद सादी और उनके साथ जो है जलपल्ली म्युनिसिपल कमिश्नर अहमद सफीउल्ला, इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। ताहिर है, ग्लैडिएटर फिटनेस स्टूडियो का जिम के ओनर हूँ मैं। आज अचानक जिम में शॉर्टकट सर्किट की वजह से आँच लग गई। अभी मेरे को 5:30 बजे फ़ोन आया, मेरा काम वाला फ़ोन करे तो आके देखे तो क्या शॉर्ट सर्किट से पूरी आँच लग गई थी। अभी फायर इंजन वाले आके आँच बुझा दिए। अभी जाने माल का नुकसान क्या हुआ देखने का है। अभी तो माली नुकसान माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान कुछ नहीं।
गंगा का कितना नुकसान हुआ तो बता दो। क्या है कि अभी धुआं है पूरा, गए तो मालूम होगा अपन को आधे घंटे में पूरा। अभी नहीं जा रहा, पीएस को जा रहा हूँ। कंप्लेंट नहीं किया? नहीं जी, अब जाना। लॉकडाउन से बंदी से जी? क्या चेक करते? कुछ भी नहीं, कभी साफ सफाई होती है बस उतना ही। साफ सफाई हो रही थी? बस साफ सफाई कर लेते थे, झाड़ू पोछा कर। नहीं नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, अभी धुआं है इसमें, कुछ भी बता नहीं सकते क्या है सब। अभी पूरा धुआं गए तो आधे घंटे में क्या है सब मालूम होगा अपन। भाई इधर देखो, चलो देख लिया, डाल दो भाई। पहलवान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में हमारी जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम की हिदायत पर मैं हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब के साथ और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और पाशा खादरी साहब की हिदायत पर और मेरे यहाँ के मुकामी इंचार्ज अहमद सादी साहब की साथ में कोऑप्शन मेंबर का नॉमिनेशन सबमिट किया हूँ। इंशाल्लाह मेरे को तवक्को है कि मैं यहाँ से जमात के सपोर्ट पर आसानी से विनूंगा इंशाल्लाह ताला। और मैं जमात का और सभी जिम्मेदारों का जो मेरा साथ दिए उन सब का शुक्रगुजार हूँ और मेरे काउंसलर्स का भी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे तयक्कुन दिए हैं कि मेरा साथ देंगे। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं म्यूनसिपल कमिश्नर जलपल्ली अहमद सफीउल्लाह बात कर रहा हूँ। तेलंगाना स्टेट में कोऑप्शन मेंबर्स के एप्लीकेशन की आज आखिरी तारीख थी, जिसके अंदर अब तक हमारे पास 14 एप्लीकेशन आए हैं, 14 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। इसके अंदर 2 कोऑप्शन मेंबर हैं, 2 स्पेशल नॉलेज मेंबर्स का है, टोटल 4। इसके अलावा जिस तरीके से जीव 57 और 58 के तहत जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो तमाम लगा के सबमिट करो बोल के हम दरख्वास्तें बना के कल ही दिए थे। टोटल 20 एप्लीकेशन हमारे पास से कल लिए थे, 17 से 20 एप्लीकेशन लिए, आज वसूली में तकरीबन 14 एप्लीकेशन वसूल रहे हैं। ये तमाम इसकी आज आखिरी शाम 5 बजे तक ये वसूली होने के बाद 3 दिन के अंदर इसको स्क्रूटनी करके इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन के अंदर अगर कुछ कामी रहने से उसको रिजेक्ट करते हुए माँ बाकी जितने एलिजिबल कैंडिडेट्स एलिजिबल एप्लीकेशन है वो जो इसको कंप्लीट करते हुए प्रोसेस करते हुए इसकी इतला कलेक्टर साहब को डायरेक्टर साहब को दी जाएंगी। ये तमाम चीज़ तमाम एप्लीकेशन को स्क्रूटनी देने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। तो एप्लीकेशन स्क्रूटनी करने के दरख्वास्त स्क्रूटनी करने के बाद ये पूरा डिटेल्स पूरे कलेक्टर साहब को और डायरेक्टर साहब को इसकी इतला देते हुए स्पेशल मीटिंग कंडक्ट करने के लिए चेयरमैन साहब को फाइल सर्कुलेट करेंगे। जलपली म्यूनसिपैलिटी में कोऑप्शन मेंबर के लिए नॉमिनेशन डाला गया, मैं हमारी पार्टी टीआरएस पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन डाली और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब और हमारे पंचायत राज के मिनिस्टर मिस्टर केटीआर साहब और हमारे एरिया एमएलए एजुकेशन मिनिस्टर हमारी अम्मा पी सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम और हमारे यूथ लीडर कार्तिक अन्ना और हमारे तमाम एरिया जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के टीआरएस लीडर्स काउंसलर्स जो हमारे को सपोर्ट करे आज को ऑप्शन मेंबर के लिए नॉमिनेशन डालने के लिए वो लोग सब यहाँ पे है। हम लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल है हमारी पार्टी के लिए, जो उनका ट्रस्ट है हमारे ऊपर वो ट्रस्ट को हम इंशाल्लाह निभाते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम पार्टी और टीआरएस पार्टी अलायंस होने की वजह से हमारी पार्टी से सिर्फ 2 नॉमिनेशन आए यहाँ पे, हमारे मेरे बड़े कृष्णन्ना और मैं यास्मीन बेगम यहाँ पे आज नॉमिनेशन डाले। इंशाल्लाह जीत की भी उम्मीद है, इंशाल्लाह आगे भी हम काम करेंगे, पार्टी का नाम रोशन करेंगे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी,
फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल, वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आ रास्ता जर्मिंटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।